नमस्कार भव्य श्री न्यूज से मैं नुपुर। कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ कहर पूरी दुनिया में तांडव मचा रहा है। अब पूरी दुनिया उससे परेशान है, कहीं कुछ उबर रहे हैं तो कहीं फिसल रहे हैं। यानी लगभग इतने सारे देश में 150 देशों से कहीं ज्यादा ये बढ़ता हुआ जा रहा है। अपने भारत की आंकड़ा अगर हम ले लें तो आज तक का आंकड़ा जो है 716 लोग इससे परेशान हो चुके हैं और इलाज में ये लोग लगे हुए हैं, संलिप्त हैं। और अभी आपको बता दें कि लगभग 46 लोग इलाज के दौरान अच्छे भी हुए हैं, स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 17 लोग इसकी चपेट में आ गए और उन्हें बचाया नहीं जा सका है। और सबसे ज़्यादा अगर गंभीरता देखी जा रही है तो केरल और महाराष्ट्र में देखी जा रही है। केरल में 105 है और महाराष्ट्र में 117 इसके मरीज हैं। और बिहार में एक की मृत्यु भी हो चुकी है, ये भी आप जान रहे हैं। ये हुआ क्यों है? कहते हैं ना, छोटी सी भूल ने सारा गुलशन जला दिया। तो अभी जलाया तो नहीं, अभी आरंभिक दौर में है। और दौर में इसलिए है कि ये अचानक, आपको मालूम है कि चीन में इस तरह हुआ। अभी चीन की हालत आप देख ले तो अभी लगभग में 14 मार्च से लेकर के चीन में कहीं स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट ये सब अभी खुलता हुआ जा रहा है, आपको नजर आएगा। या पार्क वगैरह खुल रहे हैं, चूंकि वहाँ एक तरह से कंट्रोल पाया गया है कोरोना वायरस पे। अभी वुहान में जो है वो भी संभावना है कि 1 अप्रैल से वुहान का भी जो एरिया जो लॉक कर दिया गया था उसको खोल देने की संभावना है, चूंकि इससे वो लोग बिल्कुल निपट चुके हैं। 2 मंथ यानी 60 दिन का लॉकडाउन उन्होंने भी लॉकडाउन किया था। अब पूरी चीज़ें, आदमी का आवागमन बिल्कुल चीन सरकार ने बंद कर दी थी। और उसके बाद ये आंकड़ा, आज की आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ पे आवागमन, लोगों का आना जाना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। सामान की बिक्री भी अभी बढ़ रही है। इस तरह की हालत है अपने भारत में, यानी चीन से होता हुआ कई देशों में गया, मेरे भारत में भी हुआ। और अभी क्या है कि इतना आंकड़ा हमारे भारत में नहीं बढ़ता। अगर लोग बाहर वाले जो लोग लंदन में गए थे, अब नाम किसका बताओ और क्या नहीं बताए, आपसे छुपा भी नहीं है, वो लोग वहाँ से आकर के जो इंडियन लोग थे, वो विदेश में जो थे, वो लोग भी अपना इंडिया में आना शुरू किए और चुपचाप अपने घर में गए। अपने जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया था, कोनिका कपूर को ले लीजिए, कोनिका कपूर भी लखनऊ की, मैं बात बता रही हूँ, लखनऊ के हॉस्पिटल में अभी भी पड़ी हुई हैं वो, और दोबारा उनका इलाज चल रहा है। तो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो आते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अपने प्यार, घर से प्यार और मोहब्बत, और ये आप परिवार से प्यार नहीं करते, हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते तभी आप हॉस्पिटल में जा करके आप चेकअप कराने के बाद अगर घर पहुँचते तो आपको कोई भी कुछ नहीं कहता। लेकिन एक आपकी खुशी के कारण, होली मनाना था, आपने होली क्या मनाया कि सारे लोगों को आज दिवाला निकाल दिया। भारतवर्ष में हजारों हजार करोड़ रुपए, लाखों करोड़ कह दीजिए कि सरकार निकाल रही है, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपनी जनता को बचाने के लिए पैसा निकाल रही है। और हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोग किस तरह सरकार के कदम से कदम मिला करके इस लॉकडाउन को हम लोग सफल बनाए। आज ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन में बड़े बड़े लोगों को भी अभी देखा गया है, जो लोग घर में नहीं रहते थे, संभवतः वो बाहर काम करते थे, वो भी आज घर में है। क्यों घर में है? इसको सफल बनाने के लिए जितना हो सके घर के अंदर रहिए। क्या फर्क पड़ता है अगर 1 महीना हम घर में ही रह जाते हैं? 21 दिन का मामला है, 21 दिन अगर घर में रह जाएंगे और पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी तो हम जी पाएंगे ना स्वस्थ रह करके। सरकार कितनी परेशान है, अपने भारत का पैसा कितना जो नहीं लगना चाहिए था, ये जो भारत का पैसा था ये किसी और काम में भी हम लोग लगा सकते थे, हमारी सरकार लगा सकती थी, जिससे हमारी तरक्की होती। आज देखिए इस तरक्की का पैसा, अभी कहीं ना कहीं वो चीज़ जो होना ही नहीं था, अचानक ये पैसा, ये फंड को निकाला जा रहा है किसके बचाव के लिए? हमारी जनता के बचाव के लिए, कि मेरी भारतवर्ष की जनता किसी तरह स्वस्थ और सुरक्षित रहे। इसके कारण तो हमारा फर्ज बनता है। आज भी अगर आप देख लीजिए ग्रामीण इलाका में भी सब जगह लॉक कर दिया गया है। अभी मामला है कि पंजाब से हो या फिर महाराष्ट्र से है या लुधियाना से, हर जगह का देख लीजिए, बेंगलोर में सारे लोग जो यूपी बिहार के थे या अन्य के थे, बंगाल के थे, ये सारे लोग को जैसे पता चला कि 21 दिन का लॉकडाउन किया गया, सारे लोग, जबकि सरकार कर रही थी 3 फीट की दूरी से रहने के लिए, घर में भी रहिए तो थोड़ा सा दूरी बनाए के रखिए, बार बार हाथ धोइए। और ये लोग एक ट्रेन में, जहाँ यात्री को बैठने का जगह मान लीजिए 1000 अगर सीटेड हो तो उसमें वो लोग 10,000-20,000 के संख्या में वो लोग जाना आरंभ कर दिए, छरप करके, मतलब इस तरह की किसी तरह हमारा जान बचो और हम अपने घर पे पहुंच जाए किसी तरह। कुछ लोग पैदल चल दिए हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल, एक बंदा तो मोटरसाइकिल से ही महाराष्ट्र से निकले हैं और आपको वाराणसी के लिए वहां पहुंचे, कुछ लोग अभी पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं। इस तरह का आलम है। क्यों आलम ऐसा हुआ है कि ये नहीं है, अभी राज्य सरकार भी ये बोल रही है, बहुत जगह की राज्य सरकार, के हमारे कोई भी लोग
किसी भी परदेश के लोग हैं जो गए हुए हो काम करने के लिए, उनका हर चीज़ वो जहाँ अटके पड़े हैं उनको खाना भी मिलेगा, व्यवस्थाएँ मिलेगी, सब कुछ सरकार करने को तैयार है। लेकिन ये भय भयभीत भी लोग इतना ज़्यादा हैं, जो होना हो हम संयम बरते, अपने आप को प्रिकॉशन बरतना जरूरी है खुद को सुरक्षित रखने के लिए, अपने भारतवर्ष को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन लोग डर रहे हैं, र्यूमर भी लोग इतना फैला रहे हैं ना, कुछ लोगों ने तो र्यूमर ये फैला दिया कि 24 जून तक ये पूरा भारत बंद रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस डर से आप लोग नहीं रहिए। वो जो सरकार बोलती है, स्टेट गवर्नमेंट का आप देख लीजिए न्यूज, या फिर आप अपने सरकार का देख लीजिए, केंद्र सरकार का देख लीजिए, अपने प्रधानमंत्री जी का देख लीजिए, अगर उनकी जुबानी कुछ है, बैकग्राउंड से कोई भी आवाज़ आती हो उस पर आप भरोसा मत कीजिए। अच्छे अच्छे जो रेनाउंड चैनल है उस पर आप भरोसा कीजिए, फेक चैनल पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। ऐसे ऐसे फेक चैनल लोगों को भयभीत करते हैं और गुमराह करते हैं, और उस गुमराह में लोग परेशान हो जाते हैं और वही काम करते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को खतरा आमंत्रित होता है। ऐसे खतरा को रोकिए और खुद को संयम बरतिए और कोशिश कीजिए कि हम उस रास्ते ना जाएं। आज देख लीजिए चीन में इस तरह की चीज़ें हुई, वहीं से बढ़ करके कोरोना वायरस का आना हुआ, और छोटी छोटी गलतियों के कारण ये हुआ। लेकिन आज लगभग में उनमें 70-80% आज भी हैं जिनका इलाज चल रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है थोड़ा घट रहा है, लेकिन वो लगभग में कंट्रोल में आ गए। हम मेरे लिए भी ऐसा नहीं है कि अगर पूरे भारतवर्ष एकजुट अगर हम हो जाएं तो कोरोना वायरस को दूर नहीं भगाया जा सकता है। हमारे चिकित्सक अपनी जान को जोखिम में डाल करके और आप लोगों का सेवा कर रहे हैं, जो लोग पेशेंट हैं उनका सेवा कर रहे हैं, हर जगह दस्तक दे रहे हैं कि एक भी पेशेंट हमारे भारत में ऐसा बचाना रहे। लेकिन तब जब हम लोग प्रोकोशन बरतेंगे, हमारे 130 करोड़ आबादी वाला हमारा भारत देश है, किसको किसको सरकार संभालेगी, किसको किसको हमारे पदाधिकारी अधिकारी संभालेंगे। आज हर पदाधिकारी अधिकारी हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं कि आप कृपया करके घर से मत निकलिए, घर में रहिए, प्रिकॉशन बरतिए। किसके लिए? आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जान अगर वो कहते हैं बचाने के लिए तो उनकी जान की रक्षा होगी, ऐसा नहीं। पूरे भारतवर्ष के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। आपको बता दें कुछ लोग ऐसी गलती कर रहे हैं, आज भी देखा गया, खुद के मुंह पे तो आप रुमाल बांधते हैं, कोई कपड़े बांधते हैं, लेकिन उनके गोद में जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा या 3 साल का हो या 6 महीना का, उनको वो लोग बिल्कुल ही बांध कर नहीं रखते हैं, ना नाक बांधते हैं ना मुंह बांधते हैं, और इसी तरह खुला में छोड़ देते हैं। बच्चे तो और सेंसिटिव होते हैं, उनको तो और अटैक करेगा, जल्द से जल्द अटैक करता है। जितना बड़े लोग में एक ताकत होती है, लड़ने की क्षमता होती है, बच्चे में उतना क्षमता कम होता है। तो कृपया करके बच्चे में भी आप इस तरह की चीज़ों को उसको बांध के रखिए, कोशिश कीजिए वो बाहर ना जाए, अपने कैंपस में रहे। आज तो देखा गया, आज दूसरा दिन है, और सारे लोग, यानी कि आपको फिर ये कह दें कि आप जिसके भी फैंस हो, नेता के फैंस हो, अभिनेता के फैंस हो, वो क्रिकेटर के फैंस हो, जिसके भी फैन हो, या पदाधिकारी के फैंस हो, या आप किसी को भी आइडियल मानते हो उनके फैंस हो, उन्हीं के कहना मानकर आप लोग अपने घर में रहिए, घर से बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलिए। ये आपके लिए कहा जा रहा है, हमारे लिए कहा जा रहा है, अपने भारतवर्ष के लिए कहा जा रहा है, और ये नहीं है हम लोग का, भगवान से मनाइए। अभी देखिए, अभी शेरों वाली माता भी आ चुकी हैं, 2 दिन हो गया उनको भी आने से, और माता रानी को मनाइए कि ये पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया से कोरोना नाम का चीज ही नहीं रहे, और कोरोना दूर हट जाए, और कभी पलट करके ये ना देखे हमारे भारतवर्ष को, हमारे पूरी दुनिया को, और हम लोग बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो जाए, और घर बैठिए, कुछ खेलिए, अब पुरानी चीजें जो आपका धरा पड़ा हुआ, जिसमें आपने सोचा था कि छुट्टी अगर मिलता, कुछ सरकार छुट्टी दे देती, चूंकि आज सरकारी पदाधिकारी या फिर ऐसे कंपनी के लोग हैं जो सारे लोग अपने छुट्टी में घर पे बिता रहे हैं, तो वो चीजों को लिखना पढ़ना आरंभ कीजिए जो बहुत दिनों से आपका बिल्कुल पड़ा हुआ है कि ये करते, छुट्टी मिलती तो करते, आपने किया नहीं। अभी 21 दिन का आपको छुट्टी मिला हुआ है, 21 दिन आप घर पे हैं, कोशिश कीजिए उस चीजों को खेल खेल में करना, और अपने घर को बनाइए, संवारिए, और एकजुट में रहिए, और कोशिश कीजिए भगवान को मनाइए, एकदम दूर भागेगा कोरोना। ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास रुका हुआ रहेगा, बस चंद दिन का वो मेहमान है, बिन बुलाए मेहमान है, उसको जाने दीजिए। उसके लिए ऐसा हम दरवाजा बंद करके रखें कि खोले ही नहीं कि तू हमारे पास आ, वो बिल्कुल नहीं आएगी, और कहीं उनको एक रास्ता नहीं मिलेगा, कहीं उनको घर नहीं मिलेगा ठहरने के लिए, बैठने के लिए, तो वो तो 9-2-11 होंगे ही होंगे। ऐसा ही काम कीजिए, हिम्मत दीजिए और हिम्मत बनाए रखिए, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, चिंतन कीजिए, सोचिए, और स्वयं को भी स्वच्छ रखना कोशिश कीजिए, हाथ धोना बार बार, मुंह धोना बार बार, और इस तरह की प्रक्रिया में रहिए, और मोहब्बत कम कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई आपके घर पे आ गया, मोहल्ले में एक दूसरे के अपार्टमेंट से घर में मत आने दीजिए, एकदम जो भी बोलना है दूर से बोलिए। हाँ, मोबाइल तो है, आज घर घर मोबाइल मिल चुका है, मोबाइल से हम लोग बातों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ऐसा कीजिए। ओके, धन्यवाद।